अरे वापस से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल शेपर्स एडुकेशन पे, जहाँ पे मैं आपका दोस्त आपका मेंटोर हर रोज आपके लिए थोड़ी सी अलग सी मेहनत करके लाता हूँ, कुछ नया सोच के लाता हूँ, कुछ नए कंटेंट क्रिएट करने के लिए आपके पास डेली 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 आता रहता हूँ, कुछ नए टॉपिक कुछ नए चैप्टर्स आपके लिए बना रहा हूँ मैं, राइट। सो मैं चाहूंगा थोड़ी सी मेरी मदद कीजिए, इस पर्टिकुलर चैनल को जितने लोगों तक पहुंचा सकते हो पहुंचाइए, जितने लोगों को दिखा सकते हो दिखाइए, हमारा कंटेंट जितने लोगों के काम आएगा भैया हमें बहुत गर्व होगा। और अगर आपको भी हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हमारे कॉन्टेंट आपके किसी भी तरह से काम आते हैं, आपके एग्जाम को आपकी पढ़ाई को कभी भी सिंपल बनाते हैं, तो सर जरूर से कमेंट में लिख के बताइएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। दिस इज द बेस्ट मोटिवेशन विच ए टीचर कैन गेट। ऑनलाइन पढ़ाना बहुत टफ होता है, हम ऑफलाइन पढ़ाने की हमें आदत है, हम ऑनलाइन पढ़ाने की आदत चालू कर रहे हैं, राइट। सो ये बहुत टफ होता है अकेले बैठ के पढ़ाना, बट आपके मैसेजेस आपके कॉमेंट्स आपके प्रेजेस इस टफ सिचुएशन को इजी बनाने में हेल्प करते हैं, हमें लगता है कि हाँ भाई कोई हमारा इंतजार कर रहा है। सो जरूर से बताइएगा अगर आपको हमारे कंटेंट में मजा आता हो तो। आगे बढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ रहे हैं हमारे सेकेंड चैप्टर का सेकेंड पार्ट। हमने सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया था फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज का, आज उस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी आ चुका है, सो प्लीज पहले फर्स्ट पार्ट देखिएगा अगर आपने देखा नहीं हो तो। वैसे इनमें कनेक्शन तो नहीं है ऑनेस्टली, अगर आप फर्स्ट देखे बिना भी ये वीडियो देखोगे आपको समझ में 100% आएगा। तो चलिए आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हमारे सेकेंड पार्ट पे, फर्स्ट सेकेंड चैप्टर के सेकेंड पार्ट पे। आपके पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए रनिंग नोट्स बनाने के लिए, और नहीं भी होगी तो डोंट वरी, पूरी टेक्स्ट बुक मैं यहाँ पे आपके साथ लेके बैठा हूँ, आप खाली यहाँ पे फोकस कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ऑल अबाउट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सर जी ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब होते हैं ऐसे पर्टिकुलर फैक्टर्स जो प्रोडक्शन के दौरान हमें मदद करते हैं, जो प्रोडक्शन प्रोसेस को करने में हेल्प करते हैं, उन्हें कहा जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देर आर बेसिकली फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। डोंट से इट एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर, राइट। सो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, देर आर बेसिकली फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हम इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि भैया ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे किस काम में आते हैं, और ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमें किस तरह से हेल्प करते हैं, वो आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में पूरी तरह से देखने वाले हैं। सो यस, हम स्टार्ट करेंगे हमारे सबसे सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, दैट इज ऑल अबाउट लैंड। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली दो होते हैं, एक होता है नेचुरल जो कुदरत देता है, और दूसरा होता है ह्यूमन इंसान जो हमने दिया है। नेचुरल में आ जाता है लैंड, इट्स अ नेचुरल फैक्टर, और ह्यूमन में आ जाता है लेबर, भैया वो हम है, ह्यूमन फैक्टर है वो, राइट। सो इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट होगा, पढ़ते पढ़ते समझेंगे। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फैक्टर्स के साथ में, हमारा सबसे पहला फैक्टर है दैट इज ऑल अबाउट लैंड। लैंड मतलब हर वो लिविंग सर्विस जहां पे एक इंसान रह सकता है उसे कहा जाता है लैंड, उसे कहा जाएगा लैंड। सो लैंड मतलब हमारी धरती, हमारी अर्थ, उसे हम बोलते हैं लैंड। लैंड बहुत ही इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट है, लैंड अपने जमीन के साथ साथ जमीन के ऊपर वाली सब चीजों को भी इंक्लूड करता है, जमीन के अंदर वाली सब चीजों को भी इंक्लूड करता है। मतलब पहाड़ होगा उसे भी लैंड कहा जाएगा, फॉरेस्ट होगा उसे भी लैंड कहा जाएगा, अंदर के मिनरल्स होंगे दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लैंड, राइट। सो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन लैंड। अब लैंड के बारे में अगर उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक समझना चाहेंगे तो समझते हैं। सबसे पहला, इट्स अ गिफ्ट ऑफ नेचर, इसको आप बना नहीं सकते हो। दूसरा, इसकी सप्लाई भैया लिमिटेड है, फिक्स्ड है, आप इसकी सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकते। बट ऑनेस्टली इस पे क्रिटिक्स है, आजकल हम जमीन की सप्लाई बढ़ा रहे हैं, कैसे बढ़ा रहे हैं आप बता सकते हो मुझे? यस मैं बताता हूँ कैसे बढ़ा रहे, माले बना बना के। जमीन इतनी सी है भैया, 50 माले की बिल्डिंग खड़ी कर दी, तो हमने लैंड की सप्लाई को कहीं ना कहीं कुछ तरीके से इंक्रीज किया है, ऐसा कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना है कि हमने इंक्रीज किया है। बट ऑनेस्टली ये पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए आप यही लिखिएगा कि द सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड। तीसरा, द लैंड इज ज्योग्राफिकली इमोवेबल, इमोबाइल, हम लैंड को एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके आ सकते। राजस्थान में मेरे गांव में मेरे पास 11 कमरों का घर पड़ा है, बट उस 11 कमरों के घर को मैं उठा के शहर में लेके नहीं आ सकता हूँ। सो वैसे लैंड इमोबाइल होते हैं, बट अगेन यहाँ पे भी कुछ इकोनॉमिस्ट मानते हैं नहीं भैया मोबाइल है, वहां का बेच के यहाँ खरीद लो, राइट। सो कुछ लोग मानते हैं मोबाइल है, कुछ लोग मानते हैं मोबाइल नहीं है, आपको यही लिखना है कि वो मोबाइल नहीं है। नेक्स्ट वन, ऑल टाइप ऑफ लैंड्स आर डिफरेंट, सब लैंड अलग होते हैं, सबकी फर्टिलिटी अलग है, सबका क्लाइमेट कंडीशंस अलग है, सबके कलर डिजाइन शेप्स भी अलग होते हैं, एंड साथ साथ में लैंड को जो रेम्यूनरेशन मिलता है उसे कहा जाता है रेंट। हम जमीन के सामने देते हैं भाड़ा, रेंट देते हैं, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट फैक्टर दैट इज लैंड। सेकंड फैक्टर की बात करेंगे, लेबर। भैया लेबर एक ऐसा फिजिकल और इंटेलेक्चुअल ह्यूमन फैक्टर है
जमीन कभी थकती नहीं है, जमीन कभी बोर नहीं होती है, बट भैया लेबर थकता भी है, लेबर बोर भी होता है, लेबर परेशान भी होता है, लेबर बीमार भी होता है। इसलिए आपको अपने सेकेंड फैक्टर लेबर का बहुत ध्यान रखना पड़ता है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। आपको लेबर का बहुत 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 खास ध्यान रखना पड़ता है। चलिए पढ़ते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला, लेबर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम लेबरर। ये बहुत बच्चे समझ नहीं पाते एक बार में, मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। इसका मतलब है कि आप लेबर को, मतलब एक इंसान को, लेबरर से, मतलब उसकी मेहनत से अलग नहीं कर सकते। सॉरी, अगेन रिपीट करता हूं मैं, मतलब हम एक इंसान को, लेबरर को, उसकी मेहनत लेबर से अलग नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं मेरी बात करता हूं, सर जहां मैं हूं वहां मेरा नॉलेज है, जहां मैं हूं वहां मेरी मजदूरी है। मैं चाहूं तो एक ट्रेन में भी बच्चों को बैठ के पढ़ा लूंगा। ऐसा मेरे साथ हुआ भी था। मैं जाने वाला था असम, असम का रास्ता था ट्रेन बाई ट्रेन, करीबन 50-60 घंटे की जर्नी थी वो। अब 50-60 घंटे की जर्नी में भैया मैं करता गया, पहली बार ट्रेन से जा रहा था इतनी लंबी जर्नी पे। तो नॉर्मली इतनी लंबी जर्नी पे मैं ट्रेन से गया नहीं, उस टाइम मुझे जाना पड़ा था कुछ रीजन वर्स, कारणवश, राइट। सो अब 56-60 आवर्स की जर्नी करता क्या मैं? तो भैया मैंने देखा वहां पे कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, किसी के सीए के एग्जाम्स आ रहे हैं, कॉस्टिंग के अकाउंट्स की किताबें लेके बैठे हैं। और मुझे लगा चल भाई इसकी मदद करते हैं, मैं वहीं पे चालू हो गया। मैं बीच ट्रेन में आई वी आई स्टार्टेड टीचिंग देम, राइट, क्योंकि जहां मैं हूं वहां मेरा नॉलेज है। सो मुझे आप मेरे नॉलेज से सेपरेट नहीं कर सकते। दैट इज व्हाट लेबर एंड लेबरर आर इनसेपरेबल, उन्हें हम सेपरेट कभी भी नहीं कर सकते। सेम वे लेबर कैन नॉट बी स्टोर्ड। आप ऐसा सोचो कि आज काम नहीं करके कल मैं डबल काम कर दूंगा, वो पॉसिबल नहीं होता है। जिस दिन काम करोगे भैया उस दिन की मजूरी मिलेगी, अगले दिन आके 2 दिन का काम भले साथ में कर दोगे तो भी मजूरी एक दिन की ही मिलने वाली है। सो उसको आप स्टोर नहीं कर सकते, वो पेरिशेबल नेचर का होता है। नेक्स्ट वन, द मोबिलिटी ऑफ लेबर इज नॉर्मली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल एंड इकोनॉमिक रीजन। ये बहुत सही बात है, आप लेबर को हर बार एक जगह से दूसरी जगह लेके नहीं जा सकते, उन पे सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स इम्पैक्ट डालते हैं। अगर मैं मेरी मम्मी को जाके बोलूंगा कि मम्मी क्या बोलते हो मैं दुबई चला जाऊं, अच्छी नौकरी मिल रही है, सो शायद मेरी मम्मी मुझे इमोशनली ना कर देगी, ना भाई ना, कहाँ चले जाओगे, माँ बाप के साथ रहो, ऑल दैट थिंग, राइट। सो हमारे यहाँ पे बहुत सोशल फैक्टर्स होते हैं, बहुत इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, जो लेबर की मोबिलिटी को रोकते भी हैं और मोटिवेट भी करते हैं। सेम वे हर लेबर की एफिशिएंसी भी अलग होती है। इट्स नॉट नेसेसरी कि सारे लेबर की एफिशिएंसी सेम होगी। कभी कभार लेबर, कुछ लेबर एफिशिएंट ज्यादा होते हैं, अच्छे से काम करते हैं, कुछ लेबर की एफिशिएंसी लल होती है, भैया बहुत धीरे धीरे काम करते हैं। सो हर लेबर की सेम वे भैया टीचर्स में भी ऐसा ही होता है, कुछ टीचर्स अच्छा पढ़ाती है, कुछ टीचर्स अच्छा नहीं पढ़ाती है। कुछ टीचर्स से पढ़ने से बच्चों को लगता है सर क्या पढ़ाया है, बात यहाँ नहीं यहाँ आ गई है, सर यहाँ पहुंच गई है बात, वो भी सही बात है। और कुछ लोगों को लगता है नहीं भैया नहीं भैया नहीं मजा आई, नहीं मजा आई, आप क्या पढ़ा रहे हो समझ में नहीं आ रहा है, मे बी पॉसिबल। सो हर लेबर की एफिशिएंसी अलग होती है। लेबर की सप्लाई डिपेंड करती है आपकी आबादी पे। इंडिया में आबादी खूब है भैया, लेबर भरपूर है यहाँ पे, बट अगर जहां पे आबादी कम होगी वहां पे लेबर कम होगा। और लेबर को जो हम रिटर्न्स देते हैं उसे कहा जाता है वेजेस। लेबर को जो रिटर्न में मिलता है दैट इज टर्म्ड एट वेजेस, याद रहेगा भैया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट इज कैपिटल। कैपिटल बहुत 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। कैपिटल नॉर्मली एक मैनमेड फैक्टर में गिना जाता है। कैपिटल लैंड लेबर से अलग है क्योंकि कैपिटल मतलब होता है हम जो भी गुड्स, जो भी सर्विसेज हम लोग हमारे बिजनेस में लाते हैं उसे बेसिकली कहा जाता है कैपिटल। तो एक तरह से आप कैपिटल को, कुछ लोग वेल्थ मानते हैं बट दोनों सेम नहीं होता है। कैपिटल एंड वेल्थ आर डिफरेंट, दे बोथ आर डिफरेंट। कैपिटल मीन्स वही पैसा होता है जो एक आदमी बिजनेस में लाता है, जबकि वेल्थ मतलब भैया जो आपके पास है, शायद आपने बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं किया, फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। सो ये हो गया भैया कैपिटल, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। सबसे पहला, कैपिटल भी भैया मैनमेड है। कैपिटल 100% मोबाइल है। आपको लग रहा है कि भैया इस बिजनेस में कमाई अच्छी नहीं आ रही है, आप उस बिजनेस से अपना कैपिटल विड्रॉ करके किसी दूसरे बिजनेस में इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वन, द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ कैपिटल। आज के जमाने में कैपिटल की डिमांड बहुत बढ़ रही है क्योंकि हर किसी को कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज लगानी है। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री में कमाई नहीं दिखती है, और कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज मतलब बड़ी बड़ी मशीन्स लगानी है। सो बड़ी मशीन्स के लिए पैसा भी लंबा चाहिए। सो इन प्रेजेंट सिनारियो कैपिटल की डिमांड बहुत बढ़ रही है, हर काम को करने के लिए खूब सारा पैसा चाहिए तो ही वो काम सक्सेसफुल हो पाता है। और कैपिटल को जो रेम्यूनरेशन हम देते हैं उसे कहा जाता है इंटरेस्ट। क्या कहा जाएगा बच्चा उसे? उसे कहा जाता है इंटरेस्ट। चलिए बात करते हैं आखिरी फैक्टर की, एंड दैट इज ऑल अबाउट एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर बेसिकली किसे कहा जाएगा? एंटरप्रेन्योर मींस ओनर, एंटरप्रेन्योर मींस मालिक। जो हमारे बिजनेस के ओनर होते हैं, जो हमारे बिजनेस के मालिक होते हैं, उन्हें कहा जाता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर बेचारा अकेला ही रिस्क लेता है पूरे बिजनेस का,
वो लैंड को लाता है, लेबर को लाता है, कैपिटल को लाता है, सबको साथ में काम करवाता है और अश्योरेंस देता है कि लैंड तुझे तेरा रेंट मिलेगा, लेबर तुझे तेरा वेजेस मिलेगा, कैपिटल तुझे तेरा इंटरेस्ट मिलेगा और बिजनेस का जो भी रिस्क होगा वो मैं बैर करूंगा। अब अगर ऑन्ट्रप्रनर रिस्क बैर कर रहा है तो सर पूरे बिजनेस का प्रॉफिट भी वही खाता है। सो इसलिए ऑन्ट्रप्रनर पूरे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये पूरे बिजनेस का डिसीजन मेकर होता है, ये पूरे बिजनेस का रिस्क टेकर होता है, ये पूरे बिजनेस को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है और इसलिए इसको जो भी रिटर्न मिलता है उसे कहा जाता है प्रॉफिट। क्या कहा जाएगा भैया उसे? उसे कहा जाता है प्रॉफिट, दैट इज मनी, पैसा, राइट इनफ। चलिए आगे बढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक हमारे इस चैप्टर का है, दैट इज ऑल अबाउट ट्रेड साइकिल। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, राइट। और ये टॉपिक का नाम रहेगा ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल बेसिकली क्या होता है सर? बिजनेस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, आज मंदी है तेजी आ जाएगी, फिर से थोड़े दिन बाद मंदी आएगी, तो ये चलता रहता है, इसे कहा जाता है ट्रेड साइकिल। इसे क्या कहा जाएगा भैया? ट्रेड साइकिल। अब ट्रेड साइकिल को हम लोगों ने 4 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। पहला होता है इररेगुलर चेंजेस। इररेगुलर चेंजेस को हमने कभी सोचा नहीं है, हमने अज्यूम नहीं किया, अचानक से आ गए, जैसे कि भैया ये कोरोना इररेगुलर चेंजेस अचानक से बड़े से बड़े बिजनेस को हिला के बैठ गया। सो इन्हें कहा जाता है इररेगुलर चेंजेस, लाइक फ्लड्स, फेमाइन, स्ट्रॉम, फायर, अचानक से कोई भी बिजनेस में आने से बिजनेस में लंबे नुकसान या लंबे तरह के चेंजेस आ सकते हैं। ये हो गया सबसे पहला। दूसरा सीजनल चेंजेस, मौसम के चेंज होने के कारण भी बिजनेस में बहुत सारे इंपैक्ट्स आते हैं। सो सीजनल चेंजेस के कारण कुछ गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है, कुछ गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। सो दिस इज द सेकेंड चेंजेस जो नॉर्मली हमारे ट्रेड साइकिल्स में आ सकते हैं। नेक्स्ट होता है लॉन्ग रन रेगुलर चेंजेस, मतलब लॉन्ग रन में कभी कभार कुछ रेगुलर चेंजेस आते हैं, मतलब जो हर बार होते हैं, जैसे कि भैया लॉन्ग रन में सेल्स बढ़ती ही बढ़ती है, लॉन्ग रन में गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज होते ही होते हैं, लॉन्ग रन में प्रॉपर्टी के भाव बढ़ते ही बढ़ते हैं। सो दीज आर टर्म्ड एज लॉन्ग रन रेगुलर चेंजेस, कि भैया लॉन्ग रन में ही अपने आप हो जाएगा। जैसे कि हमारे सब्सक्राइबर्स भैया लॉन्ग रन में बढ़ रहे हैं, ऑफकोर्स बढ़ रहे हैं, अपने आप और आगे जाएंगे और तक बढ़ने वाले ही है। सो दीज आर बेसिकली लॉन्ग रन चेंजेस। एंड लास्ट इज साइक्लिकल चेंजेस। सर साइक्लिकल चेंजेस मतलब ऐसे चेंजेस होते हैं जो बिजनेस में आते रहते हैं, मंदी तेजी आती रहती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में चेंजेस आते रहेंगे। जब भैया बिजनेस बूम्स पे था इकोनॉमिक ऊपर थी, इकोनॉमी जैसे थपी बिजनेस नीचे आ गया। सो ये होते हैं साइक्लिकल चेंजेस, ये बिजनेस में चलते रहते हैं, इनमें कभी भी कोई भी चेंजेस आ सकते हैं। सो आपको डेफिनेशन याद करनी है ट्रेड साइकिल की। ट्रेड साइकिल आर द कंटिन्यूस फेजेस ऑफ गुड एंड बैड चेंजेस अकरिंग इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी के अच्छे दिन और बुरे दिन को कहा जाता है ट्रेड साइकिल्स। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। ट्रेड साइकिल एक डायनामिक चेंज है, ये कभी कभार पॉजिटिव भी होता है, कभी कभार नेगेटिव भी होता है, डिपेंड करता है एंटरप्रेन्योर पे भैया मैनेजर कितना समझदार। अगर मैनेजर होशियार होगा, मैनेजर समझदार होगा, तो मैनेजर हमेशा ट्रेड साइकिल को पॉजिटिवली ले सकता है। बट भाई अगर आपका मैनेजर समझदार नहीं होगा तो शायद आपका ट्रेड साइकिल वो नहीं समझ पाएगा, बिजनेस को डुबा देगा। सो यस, ये पर्टिकुलर चेंजेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं अगर आपके मैनेजर में इतना गट्स होगा तो, और नेगेटिव भी हो सकते हैं अगर वो उन चेंजेस को ऑब्जर्व नहीं कर पाया तो। साथ साथ में ये ट्रेड साइकिल्स आपके बिजनेस में बहुत सारे फेजेस लाते हैं, बहुत सारे चेंजेस लाते हैं जिनको आपको ऑब्जॉर्व करना आना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने इन ट्रेड साइकिल को 4 बेसिक पार्ट में डिवाइड किया है, 4 बेसिक पार्ट में। इसके लिए मैं आपको ग्राफ भी बना के दे सकता हूं, चलिए मैं बनाता हूं ग्राफ। सबसे पहला होता है यहीं पे बना देता हूं मैं, सबसे पहला होता है बूम, जहां पे बिजनेस सबसे बेस्ट पोजिशन पे है, ठीक है। फिर धीरे 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 बिजनेस गिरता है, उसे कहा जाता है रिसेशन। इस पार्ट को हम बोलते हैं रिसेशन, बिजनेस गिर रहा है, फिर बिजनेस पूरा ठप हो जाता है, इकोनॉमी पूरी ठप हो जाती है, उसे कहा जाता है डिप्रेशन। फिर अचानक से वापस धीरे धीरे इकोनॉमी बढ़ती है, उसे कहा जाता है रिकवरी। सो इस तरीके से ऐसे पार्ट्स होते हैं, सबसे पहला हो गया बूम, इकोनॉमी एकदम फुल रॉकेट है, उसे कहा जाएगा बूम। फिर इकोनॉमी धीरे धीरे गिरती है, मंदी आती है थोड़ा थोड़ा, उसे कहा जाता है रिसेशन। फिर एकदम एकदम इकोनॉमी स्लो हो जाती है, उसे कहा जाता है डिप्रेशन। और उसके बाद में इकोनॉमी फिर से कवर अप करती है, उसे कहा जाता है रिकवरी। इकोनॉमी धीरे 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 फिर से कवर अप कर रही है। इस तरीके से हमारे ट्रेड साइकिल्स के 4 फेजेस होते हैं, याद रहेगा बूम, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी।
सर ये दुनिया में ये साइकिल बहुत चीजों में आपको देखने मिलेगी, इसलिए कभी भी लाइफ में डरने का नहीं, हारने का नहीं। आज अगर तेजी है तो कल मंदी आएगी, और आज अगर मंदी है तो कल तेजी आएगी, हर किसी की लाइफ में। और ये थियोरी बहुत चीजों पे एप्लीकेबल होती है, बहुत सारी चीजों पे एप्लीकेबल होती है। हम बात करते हैं दोस्त को लेकर, फ्रेंडशिप को लेकर, सर उसमें भी आपको देखने मिलेगा। आप जब स्कूल में हो, कॉलेजेस में, सर आपकी दोस्ती पीक पे होती है, फ्रेंडशिप इज बूम, एकदम बूम पे होती है। अब जैसे जैसे भैया आपकी शादी हो गई, ठीक है, फ्रेंडशिप अब धीरे 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 रिसेशन पे आ रही है, दोस्तों से मिलना कम हो गया, शादी वगैरह हो गई है। अब जैसे बच्चे हो जाते हैं, बिजनेस में आ जाते हैं, परिवार को संभालना है, काम को संभालना है, हमारी दोस्ती भैया खड्डे में चली जाती है, डिप्रेशन में, क्योंकि सब कुछ नया नया लाइफ में, बिजनेस नया है, परिवार नया है, सबको संभालना है, दोस्ती डिप्रेशन में आ गई है। अब जैसे परिवार स्टेबल हो गया, बिजनेस स्टेबल हो गया, हम वापस से अपने पुराने दोस्तों को याद करते हैं, सर फिर से रिकवरी का स्टेज आ जाता है, और बुढ़ापा आते आते दोस्ती फिर से बूम पे आ जाती है। सर ये चलता रहता है, ये थियोरी आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑनेस्टली ये सारी की सारी थियोरी आपको सच लगेगी, सच से सच लगेगी। ठीक है बच्चा, तो इसके साथ हमने हमारा सेकेंड चैप्टर पूरा कंप्लीट किया। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर, आई होप आपको मजा आया होगा। आपको अगर कुछ तकलीफ हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपको मजा आ रही है पढ़ने में तो पहले बताइएगा सर प्लीज। तारीफें आदमी को बहुत अच्छा मोटिवेशन देती है, और मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट देना एक आर्ट है, हर किसी के बस का नहीं है, ट्राई करके देखिएगा। चलिए मिलते हैं वापस से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।